सत्यदेव तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द यंग एक्टर है और जिन्होंने सपोर्टिंग रोल के साथ ही साथ एज ए लीड एक्टर भी फिल्म में कर चुके हैं और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो दोस्तों आज मैं सत्यदेव का बॉक्स ऑफिस कर्शनाइसिस के बारे में बताने वाली हूँ और अगर आप हो सत्य के फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, मिस्टर परफेक्ट। ये 2011 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें रेबल स्टार प्रभास, काजल अग्रवाल लीड रोल में है और इसमें सत्यदेव को सपोर्टिंग रोल में नजर आई है और इसमें एक लव ट्रायंगल को दिखाई गई है जहाँ पर इसका बजट था 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस का शून्य रहा 35 करोड़ और ये फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर टू, सीथम्मा वकीतलो सिरिमल्ली चिट्टू। ये 2013 का ड्रामा फिल्म है और इसमें प्रिंस महेश बाबू समंता लीड रोल में है। इसमें दोनों अनएम्प्लॉयड भाई की लाइफ और दोनों का प्यार का रिलेशनशिप को दिखाई गई है और इसमें को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला था जहाँ पर इसका बजट था 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस का शून्य 66 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर थ्री, आतरिंदी की दरिदी। ये 2013 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पावर स्टार पवन कल्याण समंता लीड रोल में है। इसमें एक फैमिली की स्टोरी को काफी ड्रामेटिक वे से दिखाई गई है और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला था जहाँ पर इसका बजट था 55 करोड़, बॉक्स ऑफिस का शून्य 188 करोड़ और ये फिल्म इंडस्ट्री हिट साबित थी। नंबर फोर, मैंने प्यार किया। ये 2014 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें प्रदीप रायन, ईशत और सत्यदेव लीड रोल में है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर फाइव, मुकुंदा। ये 2014 का फैमिली ड्रामा फिल्म है और इसमें वरुण तेज, पूजा हेगड़े लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर सिक्स, असुरा। ये 2015 का तेलुगु फिल्म है और इसमें नारा रोहित, प्रिया और सत्यदेव लीड रोल में है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो नारा रोहित का बॉक्स ऑफिस क्वेश्चन भी देख सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। नंबर सेवन, चारती लक्ष्मी। ये 2015 का ड्रामा फिल्म है और इसमें चार्मी को लीड रोल में है और ये फिल्म सेमी हिट साबित थी। नंबर एट, शनम। ये 2016 का मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इसमें आधी विशेष और आधा शर्मा लीड रोल में है। इसमें ऋषि ने इंडियन वापस आते हैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की किडनैप्ड हुए बच्चे को बचाने के लिए और इस स्टोरी के साथ जुड़कर इस पूरे फिल्म को दिखाई गई है और जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ 4 करोड़, बॉक्स ऑफिस का शून्य 20 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर नाइन, इड्डोले रामायणा। ये 2016 का कन्नड़ा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें प्रकाश राज, प्रिया मणि लीड रोल में है और ये फिल्म सुपर हिट साबित थी। नंबर टेन, द गाजी अटक। ये 2017 का तेलुगु हिंदी हिस्ट्रिकल वॉर फिल्म है और इसमें राणा दग्गुपति, तपसी पन्नू, सत्यदेव लीड रोल में है और इसका स्टोरी 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर पर बेस्ड है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित थी। नंबर 11, रग। ये 2007 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 12, ऑक्सीजन। ये 2007 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें गोपी चंद, राशि खन्ना लीड रोल में है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 13, थग्स ऑफ हिंदुस्तान। ये 2018 का हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है और इसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फतेमा सना शेख, कैटरीना लीड रोल में है और फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 14, अंतरिक्षम 9000 कैम्पियच। ये 2018 का साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म है और इसमें वरुण तेज, आदित्य राव लीड रोल में है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 15, ब्लफ मास्टर। ये 2018 का हिस्ट कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है और इसमें सत्यदेव और नंदिता लीड रोल में है जहाँ पर इस फिल्म को लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज मिला था पर बाद में इस फिल्म को डिजिटल रिलीज करने के बाद इस फिल्म का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और कुछ दिन पहले इस फिल्म का हिंदी डब्ड रिलीज हुआ है और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नंबर 16, ब्रोचे वेरे वेरुरा। ये 2019 का क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है और इसमें श्री विष्णु, निवेदा थॉमस, निवेदा पेतुराज और सत्यदेव लीड रोल में है। इसमें थ्री कॉलेज स्टूडेंट के साथ जुड़कर एक बड़े क्राइम को दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 17, आयुष्मान शंकर। ये 2019 का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इसमें रामपुथिनी, नाभा नतेश, निधि अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें एक लड़का एक हेड में मोबाइल फोन और सिम कार्ड इंसर्टेड होते हैं और इसी से वो कैसे पुलिस को हेल्प करते हुए इसमें दिखाई है और इस फिल्म को रामपुथिनी के कैरियर में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म माना जाता है। आज यहाँ पर इसका बजट था 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस का शून्य था 80 करोड़ और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 18, जॉर्ज रेड्डी। ये 2019 का बायोग्राफिकल फिल्म है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। नंबर 19, रागाला 24 घंटालो।
ये 2019 का मर्डर मिस्ट्री फिल्म है और इसमें शरीफा सत्यदेव लीड रोल में है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 20 सारी लेडू निक्की वेडू, ये 2020 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें प्रिंस महेश बाबू रश्मिका मंदाना लीड रोल में है। इसमें इंडियन आर्मी मेजर अजय कृष्णा कैसे अपने देश को बाहर की थ्रेट से बचाने के लिए फाइटिंग करते हुए इसमें दिख रही है और इसमें प्रिंस महेश बाबू को काफी प्रॉमिसिंग रोल में नजर रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 21 47 डेज, ये 2020 का मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है और इसमें सत्यदेव पूजा लीड रोल में है और ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज हुआ है। नंबर 22 उमा महेश्वरा उग्रा रूपाशिया, ये 2020 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें सत्यदेव नरेश सुहर्ष लीड रोल में है और ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.9 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म नेटफ्लिक्स का एक टॉप रेटेड फिल्म रहा। नंबर 23 गुड्डुंदा सीथाकलम, ये अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें सत्यदेव और तमन्ना लीड रोल में है और इसमें अधिका लाइफ से जुड़कर उनका प्यार के लिए तलाश को दिखाया जाएगा। और बता दो दोस्तों, ये फिल्म कन्नड़ फिल्म लव मोक्टल का तेलुगु रिमेक होगा और जिसमें ओरिजिनल वर्जन में कृष्णा मीलाना लीड रोल में नजर आई है और जो फिल्म 2020 का वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला रोमांटिक फिल्म था। तो दोस्तों, आप इस अपकमिंग फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये रहा सत्यदेव का बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस के बारे में। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस तरह के बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।